नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम डेवलपर्स फिर आपके लिए लेके आए हैं आपके सपनों का घर, जो कि बहुत अच्छा और सुंदर टिकाऊ फ्लैट होने वाला है, जिसको आप देखते ही पसंद कर लोगे। और ये फ्लैट कैसे होने वाला है मैं आपको अभी विजिट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताने चाहता हूँ इसका साइज बहुत अच्छा है। ये 80 गज में 2 BHK बना हुआ है। इसका जो ड्राइंग रूम साइज है, आपका लिविंग एरिया जो है 14x12 का है, और हर रूम साइज के 12x12 के हैं। तो आप देखिए विजिट करते फ्लैट कैसा होने वाला है। मैं स्टार्ट करता हूँ डोर से, आइए। ठीक है सर, आपकी डोर की हाइट दी गई है, बहुत अच्छी है, और दोनों तरफ पॉलिश का काम है। अब लॉक की बात करूँ, लॉक भी इम्पोर्टेंट है, कुंडी भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी SSK अपने ये लगा के दी है। ठीक है, और ये सामने हमने वॉलपेपर लगा के दिया है, काफ़ी सुंदर वॉलपेपर है सर। और ऊपर आप एसेसरीज देखिए सर, फैन लैंप्स आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर है। आप फ्लैट विजिट करोगे दोस्तों, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। सर साइज देखिए, मैं कितना कोने में खड़ा हूँ, आप देख सकते हो साइज कितना ह्यूज है इस फ्लैट का। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ अटैच वॉशरूम की। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो दोस्तों आप इसको ऐसे देख सकते हो सर, देख सकते हो सर, आप अपना आराम से वॉश बेसिन देखिए सर, सब इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। आप टाइल्स देखते हो, 7 फीट पे टाइल लगाई गई है। टाइल का साइज भी 12x24 है, 12x18 वाला साइज भी, जो छोटा होता है। सिंपल सुपर टाइलें लगाई हैं, थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा गंदा हो रखा है तो फ्लैट थोड़ा सा। और इसी के साथ हमारा आपको हॉल के साथ आपका शाफ्ट भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए, आप देख सकते हो। सर काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। इसके बाद हम आते हैं इसकी किचन की तरफ। सर किचन का साइज़ देखिए, बहुत ही बड़ा साइज़ है, 2 BHK के हिसाब से आप देख सकते हो, आराम से 3-4 फीमेल सेक्शन यहाँ काम कर सकता है। आप देख सकते हो पूरा मॉड्यूलर है, सिंपल सोबर लाइटों काम दिया, छोटी छोटी चीज़ों का। आप देखिए सर, मैं इधर खड़ा हूँ, आराम से यहाँ 3-4 फीमेल आराम से काम कर सकती हैं। ठीक है, और ये आपका मॉड्यूलर किचन है पूरा, आप देख सकते हैं। ऊपर कबर्ड बना के दिए, अंदर भी सनमाइका लगा के दिए कि कल को गंदा हो जाता हो तो आप इजी इसको वॉश कर सकते हो। ये आपका चिमनी का स्पेस है, जो सीधा यहाँ से शाफ्ट में से निकाल सकते हो इसका। तो सर अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, वो कैसा होने वाला दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम डोर से दोस्तों। तो इसमें सर जो काम है हमारा, सारा पॉलिश का काम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डोर में हम सनमाइका यूज़ करते हैं, लेकिन किसी किसी प्रोजेक्ट में जब हमारे पास आता है कि हाँ भाई हमें सनमाइका पॉलिश का काम भी देखना होता है, लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी उसके हिसाब से हम फीडबैक के हिसाब से हम इसमें काम कराते हैं। तो आप देखिए पूरा ऊपर पूरा वुडन का अच्छा काम करके दिया है। तो इसमें पॉलिश का काम है सर, और इसकी कुंडे की बात करूँ सब इम्पोर्टेंट है सर, आप देख सकते हैं। तो आइए हम रूम के अंदर चलते हैं। रूम का साइज 12x12 होने वाला दोस्तों, देखो बहुत ही सुंदर है। वॉलपेपर इसमें लगा के दिए, तीनों वॉलों पे हमने वॉलपेपर दिए, ऊपर भी फॉल सीलिंग करके दिए, हर कमरे में फॉल सीलिंग करके दिए, ये नहीं कि ड्राइंग रूम में करके छोड़ दिया। कोब लाइट दी है आपकी फॉल सीलिंग में, लाइटें वगैरह सारी कुछ करके दिए। ठीक है, इसके बाद आपका ये इसके साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। आप वॉशरूम देखिए सर, इसका साइज कितना है, ये आपका वेस्टर्न वॉशरूम है, आप देख सकते हो। टाइल देखिए सर, बहुत ही सिंपल सोबर। अंदर आके वॉश बेसिन भी दिखा दीजिए अच्छे से, टैब वगैरह सर आप देख सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, आइए। इसका सेम साइज है जो मैंने साइज बताया था 12x12 का, इसमें भी अच्छे से वॉलपेपर आपको एक वॉल पे करके दिया है, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग वगैरह इसमें भी करके दी है, लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। इसमें हमने एक कबर्ड भी दिया दोस्तों, जो आपका पूरा 10 फीट तक जा रहा है, जिसमें आप आराम से अपना कुछ भी रख सकते हो, सामान वगैरह कपड़े वगैरह। और सेम चीज़ इसके अंदर है, एसी का इसमें भी दिया है, ऊपर दोनों विंडो है, किसी में भी आप लगा सकते हो। कूलर का इसके अंदर भी दिया है, ये आपका डोर है बालकनी के लिए सर। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं हम, इसकी देखो कुंडिया देख लो कितनी अच्छी है, इम्पोर्टेंट है। और अब हम आते हैं अपनी बालकनी की तरफ। आशा करता हूँ साथियों आपको फ्लैट पसंद आया होगा, और हम कोशिश करते हैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे फ्लैट विजिट कराएं आपके बजट के हिसाब से। तो सर इसको आपको अपना बनाना है तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए श्री श्याम डेवलपर्स पे, क्योंकि ये सपने दिखाता ही नहीं पूरे करता है। और अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ अपने घर की रेंट से बच के अपने घर में EMI दीजिए, अपना घर अपना ही होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।